किसने घर में लिख दिया है पोपट। अभी घर के काफी रूल्स हैं जो कि घर वालों को जो है फॉलो करने पड़ते हैं, और वो रूल्स में हैं नॉमिनेशन डिस्कस नहीं करना है, घर के अंदर कुछ चीज़ वो लिख नहीं सकते हैं, पर घर के अंदर वाइल्ड कार्ड आने के बाद एक गार्डन एरिया में एक सेंटेंस लिखा हुआ पाया गया, जो सेंटेंस था पोपट, और पोपट के स्पेलिंग भी जो है सही तरीके से लिखे नहीं गए। जैसे ये सब लोग सुबह आते हैं, आने के बाद जो है सब मतलब ये एंथम वगैरह सब चीज़ें हो जाती है और उसके बाद सब लोग देखते हैं, तब इसके बारे में जमकर डिस्कस होती है कि आखिरकार ये चीज़ किसने लिखी है। और आपको क्या लगता है कि पोपट कौन हो सकता है? कल रात भी काफ़ी सारी चीज़ें हुई, कशिश ने भी जो है काफ़ी सारी बातें की हैं, काफ़ी सारी डिस्कशंस की हैं, काफ़ी सारे लोगों के साथ अलग अलग तरीके की बातें करती हुई नजर आई, और दिग्विजय भी जो है काफ़ी सारी बातें कर रहे थे, और दिग्विजय भी जो है वो अभी अविनाश को पसंद नहीं करते हैं। तो अब वाइल्ड कार्ड के आने के बाद अचानक ऐसा सीन हो जाना, ये तो सीधा सीधा शक जो है वाइल्ड कार्ड पे ही जाता है। तो वाइल्ड कार्ड, दोनों वाइल्ड कार्ड में से किसी ने तो ये लिखा है, अभी दिग्विजय ने लिखा है या कशिश ने लिखा है, ये अभी तक किसी को भी कोई पता नहीं चला, सिर्फ डाउट है। पर विवियन का कहना ये है कि भाई किसने लिखा है, ये लिखना मना है, ये रूल तोड़ा गया है। तो अगर कोई नहीं बताएगा कि ये किसने लिखा है, तो फिर बिग बॉस जो है इसके ऊपर जो एक्शन लेंगे उसके लिए वो तैयार रहे। सही बात है, बिग बॉस को एक्शन लेना चाहिए। बिग बॉस ने पहले ही बोला है और विविन ने भी ये बात बोला है कि अगर कोई बोल नहीं रहा है तो कोई बात नहीं, कैमरा में तो रिकॉर्ड हुआ होगा ना, यहाँ पर चारों ओर जो है वो कैमरा है, आखिरकार हमें नहीं पता चल रहा है, बिग बॉस वालों को तो पता चलेगा ना कि ये किसने लिखा है, किसने ये रूल जो है वो ब्रेक किया है चुपचाप। आपने देखा है कि किसने ये लिखा है ज़मीन पे पोपट? और अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर नहीं पता है तो मुझे पूछिए कि आखिरकार खुशीरू बताओ किसने लिखा है, तो मैं छानबीन करके जो है आप तक उस बंदे का या बंदी का नाम जरूर लेके आऊंगी। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।